नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। यूपीटेट 2019 की लेटेस्ट अपडेट आ गई है, जिसमें हम प्राइमरी व जूनियर लेवल की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, जिसमें आवेदन की तारीख, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, योग्यता क्या होंगी तथा इसके अलावा कितने परसेंट पर पास माना जाएगा, कितने परसेंट, कितनी कट ऑफ आपकी जाएगी, कितनी कट ऑफ पर आप पास माने जाएंगे, क्या आपसे परीक्षा शुल्क लिया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। इसके अलावा 56,000 जो शिक्षक भर्ती होने वाली हैं उनकी क्या अपडेट्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगस्त से होंगे आवेदन, जो अगस्त जो टीटी का आवेदन होंगे वो अगस्त माह से होंगे और जो टीटी की परीक्षा है वो अक्टूबर माह में संभव हो सकती है, लेकिन ये एक टेंटेटिव न्यूज़ है क्योंकि इसके बाद भी कई न्यूज़ आ चुकी हैं कि अभी तक प्रक्रिया पूरी तरीके से नहीं हो पाई है और एग्ज़ाम नवंबर में भी हो सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। चलिए न्यूज़ को इसको स्टडी कर लेते हैं। लखनऊ की ये न्यूज़ है, अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी 2019 के लिए अगस्त से आवेदन लिए जाएंगे, परीक्षा अक्टूबर के पहले हफ्ते में ली जा सकती है। इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसी हफ्ते शासन को प्रस्ताव भेजेगा। पिछले वर्ष परीक्षा नवंबर में हुई थी, अभी तक टीईटी के लिए कोई निश्चित कैलेंडर नहीं बन पाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, राज्य सरकार चाहती है कि टीईटी और शिक्षक भर्ती की शैक्षिक सत्र के मुताबिक किया जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद यह संभव नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, परीक्षाएँ जो हैं वो आपकी अक्टूबर में भी हो सकती हैं और जिस तरीके से प्रक्रिया अब चल रही है, टाइमिंग चल रहा है कि अभी तक आवेदन प्रॉपर आने जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो ये भी हो सकता है कि परीक्षाएं आपकी आगे एक्सटेंड कर दी जाए, यानी कि नवंबर में हो। ठीक है, देखिए जो अधिसूचना जो कार्यक्रम आया है अधिसूचना के आधार पर, उसमें किस तरीके से इन्होंने न्यूज़ डाली हुई है। देखिए, अधिसूचना की जो तारीख है वो अगस्त, जैसे कि मैंने अभी बताया, अगस्त या सितंबर 2019 में आएगी। आवेदन की तारीख जो है सितंबर 2019 में आ जाएगी। ठीक है, आवेदन की जो आखिरी तारीख होगी वो अक्टूबर 2019 में होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख जो अक्टूबर में ही होगी, प्रिंट निकालने की तारीख अक्टूबर में। ठीक है, इसी तरह से डाउनलोड करने जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे वो अक्टूबर में, और परीक्षा की जो तारीख होगी वो नवंबर 2019 में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो परीक्षा की तारीख होगी नवंबर 2019, पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होगा 10 से 12:30 तक होगा और दूसरी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होगा 3 से 5 बजे तक होगा। उत्तर कुंजी जो जारी होगी नवंबर 2019 में, परीक्षा परिणाम की जो तारीख होगी वो दिसंबर 2019 में रिजल्ट आपका आ जाएगा। यूपीटीईटी 2019 की योग्यता, इसकी योग्यता क्या रहेगी, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए क्या योग्यता रहेगी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन हो, 2 वर्ष का डीएलएड हो, ठीक है, बीटीसी उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में हो, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, ये सारी जितने बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड का जो कोर्स हो, डीएड का कोर्स हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए लगभग 45% ही सफिशियंट है। ये सारी न्यूज़ इस चीज़ में लिखी हुई है, तो ये सारी मैंने ऐसी पढ़ के आपके सुना दी है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए बस। नाउ, कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक पात्रता के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, 2 वर्ष का डीएलएड, बीटीसी उत्तीर्ण हो, ठीक है, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए और उसके साथ बीएड बीटीसी वाली डिग्री भी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए, जिसमें 50 या फिर जनरल ओबीसी के लिए 50% मार्क्स और एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स सफिशियंट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन है, जो भी आपकी अर्हता है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। 6 to 8 के लिए क्या अर्हता इन्होंने रखी है और 1 to 5 के लिए इन्होंने क्या अर्हता रखी है। आप पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि यूपीटेट परीक्षा 2000 पेपर का कैसा पैटर्न होगा। सेम वही पैटर्न होना होगा जो पहले हमारा था, उसमें पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं है।
ठीक है, बाल विकास और अध्यापन जो अंक होंगे 30 अंक होंगे, 30 ही क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। पहली भाषा हिंदी होगी जो 30 नंबर की होगी, दूसरी भाषा अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत होगी, जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चुनेंगे, जो भी आपको पसंद है। ठीक है, गणित भी 30 नंबर का होगा और पर्यावरण अध्ययन भी 30 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन में से जर्नल के लिए 60% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा, जो पहले की तरह जो मेन अर्हता इन्होंने रखी थी, और उसके अलावा जो ओबीसी और एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा। अब देखते हैं पैटर्न, दूसरा पैटर्न क्या कहता है हमारा। यूपी टेट परीक्षा 2018 पेपर टू पैटर्न, पहले की तरह का ही पैटर्न है। बाल विकास में भी 30 नंबर होंगे, ठीक है, भाषा में 30 नंबर का होगा, भाषा सेकंड जो भी आप चुनेंगे वो 30 नंबर की होगी। गणित विज्ञान सामाजिक अध्ययन अन्य शिक्षकों के लिए 60 नंबर होगा, यानी कि कुल 150 मार्क्स होंगे, और इसमें से भी आपका वही वाला चलेगा जो जो अभी मैंने ऊपर बताया है, जनरल ओबीसी के लिए 60%, जनरल के लिए 60%, ओबीसी के लिए 55%, एनएससीएसटी के लिए भी 55%। ठीक है, तो यूपी टीईटी आंसर की जो आएगी वो 2019 की जो आंसर की आ जाएगी, वो एग्ज़ाम के लिए नवंबर में ही आंसर की आने के पूरे चांसेस हैं। और एक और लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए कि टीईटी में इस बार भी नहीं रहेगी नेगेटिव मार्किंग। वेरी गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट, फॉर ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स, कि इस बार भी टीईटी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इस बार सुनने में आ रहा था कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। बहुत आराम से आप पेपर दीजिएगा, बड़े अच्छे से पेपर दीजिएगा। सिर्फ एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी इसमें, कि जर्नल का जो शुल्क होगा, वो जो एक टेंटेटिव शुल्क है, जो अभी तक क्योंकि अधिसूचना प्रॉपर तरीके से नहीं आई है, तो पिछले साल के शुल्क के आधार पर हम आपसे बता रहे हैं कि जनरल का जो शुल्क होगा वो 500 रुपये होगा जनरल और ओबीसी का, और एससी एसटी का 250 होगा। ठीक है, इसके अलावा जो 56,000 शिक्षक भर्ती आ रही हैं, 56,000 शिक्षक भर्ती के लिए न्यूज़ ये है कि अभी दो दिन पहले ही पेपर में आया हुआ था कि बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो निकली हुई हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ये अध्यादेश भी जारी कर दिया है कि जो 56,000 वैकेंसी है, इन होने अगले आने वाले जो एग्ज़ाम हैं इनके आधार पर 56,000 वैकेंसीज़ को फिल किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी न्यूज़ पसंद आई है, मेरी अपडेट्स अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। इस चैनल पर आपको बाल विकास से संबंधित बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, बहुत सारी अच्छी सी टीचिंग कराई जाती है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।